हेलो फ्रेंड्स, आज हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन विद टू वेरिएबल्स विच इज़ आइसोक्रोन कर्व अप्रोच करेंगे। देखो, जो आइसोक्रोन है या आइसो प्रोडक्ट है, इसके अंदर दो शब्द होते हैं। आइसो का अर्थ होता है इक्वल, समान। क्रोन का मतलब होता है क्वांटिटी। तो आइसोक्रोन या आइसो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन से हम प्रोड्यूस करें, वो हमें इक्वल मात्रा के अंदर प्रोडक्शन करेगा। ये जिसको हम इक्वल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, इक्वल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और जो आइसोक्रोन कर्व होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेबर एंड कैपिटल के होते हैं, और जो कि हमें सेम जो है आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिसोर्सेज विच इज़ लेबर एंड कैपिटल विद विच ए फर्म कैन प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। देखो, आइसोक्रोन बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह है। इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या होता है कि दो कमोडिटीज़ होती हैं एक्स एंड वाई, जो कि कंज्यूमर को इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है, इसलिए कंज्यूमर जो होता है उसमें इंडिफरेंट होता है। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है उसके पास लेबर एंड कैपिटल के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, बट सेम आइसोक्रोन कर्व के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन होते हैं लेबर एंड कैपिटल के, वो सेम प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये जो आइसोक्रोन कर्व है, इसको हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कह सकते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व भी कह सकते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट कर्व भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अजम्पशंस क्या हैं। देखो, एक तो यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल्स, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन विद टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमने दो फैक्टर्स लेने हैं, लेबर एंड कैपिटल। और ये जो लेबर एंड कैपिटल है, एक मात्रा तक हम इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने सेम आइसोक्रोन पे रहना है, तो हम लेबर की मात्रा को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैपिटल की मात्रा को कम कर सकते हैं। कैपिटल की जगह पे लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और लेबर की जगह पे कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम प्रोडक्शन करते हैं, वो कॉन्स्टेंट रहती हैं। और यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, इनको हम छोटी छोटी मात्रा के अंदर ले सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉम्बिनेशन है। सी का मतलब है फैक्टर कॉम्बिनेशन, के का मतलब है कैपिटल, एल का मतलब है लेबर, क्यू का मतलब है आउटपुट, और ये जो लास्ट में मैंने बनाया है, ये है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। देखो, जो ए कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर क्या है कि 10 यूनिट्स कैपिटल के हैं, 1 यूनिट लेबर का है। अब हमने लेबर की मात्रा को इंक्रीज़ करना है, तो नेचुरली एक यूनिट और लेबर का लेना है, तो हम कैपिटल के 4 यूनिट छोड़ने को तैयार हैं। और उसी तरह क्या है कि जो सी कॉम्बिनेशन है, उसमें हमने एक और लेबर ले लिया, तो हमने 3 यूनिट ऑफ कैपिटल के सेक्रीफाइस कर दिए। और उसी तरह डी कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है कि एक और लेबर ले लिया, लेकिन वहाँ पे हमने 2 जो है कैपिटल सेक्रीफाइस किए। तो ये जो रेशियो है, देखो यहाँ पे क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम लेबर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो कितने यूनिट कैपिटल के हम सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। और यहाँ पे देखो, ये रेशियो जो है, पहले 4, फिर 3, फिर 2, ये रेशियो कम होता जाता है। और यहाँ पे देखो, जो प्रोडक्शन है वो 100 यूनिट्स ही है। हम चाहे कोई कॉम्बिनेशन ले लें, चाहे ए कॉम्बिनेशन ले ले, चाहे बी कॉम्बिनेशन ले ले, चाहे सी कॉम्बिनेशन ले ले, चाहे डी कॉम्बिनेशन ले ले, ये इक्वल अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पे हम इसको ओ एक्स के ऊपर हम लेबर लेते हैं, और ओ वाई पे हम कैपिटल लेते हैं। और ये देखो, ये हमारा, यहाँ पे हम ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे जो इसकी शेप है, बिल्कुल कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ रीजन है, जो इंडिकेट करते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है, डैट गोज़ ऑन डिमिनिशिंग। और यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई कॉम्बिनेशन लें, वो सेम मात्रा के अंदर जो है प्रोडक्शन करता है। उसी तरह ही देखो, आइसोक्रोन मैप होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे आइसोक्रोन कर्व्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं फैमिली ऑफ आइसोक्रोन। देखो, जितना ऊपर आइसोक्रोन होता है, उतना ही इसका मतलब होता है कि हम, जैसे यहाँ पे 100 है, तो ये 100 से ज़्यादा, 150 लगा लो, ये 200 लगा लो, जितना ज़्यादा आइसोक्रोन होगा, इसका मतलब होता है कि हम ज़्यादा जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो ज़्यादा है।
उसी तरह ही देखो आइसोक्वेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एक तो ये है कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, क्योंकि नेचुरली देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हमने सेम आइसोक्वेंट पे रहना है, सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करना है, अगर हम एक यूनिट अगर लेबर की मात्रा को इंक्रीज़ करते हैं तो कैपिटल की मात्रा को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर हम कैपिटल की मात्रा को इंक्रीज़ करते हैं तो हमें लेबर की मात्रा को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और उसी तरह क्या है कि इसकी जो शेप हो सकती है ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। देखो ये कन्वेक्स, ये वाली शेप जो है बिल्कुल कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वो इस लॉजिक पे होती है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लेबर को ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें कैपिटल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम लेबर को ज़्यादा लेते जाएंगे कैपिटल की कम मात्रा सेक्रीफाइस करने को तैयार होंगे। और देखो जो आइसोप्रोडक्ट शेप है इसकी, ना तो जो शेप है ना तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकती है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है, क्योंकि इनमें एक की मात्रा कांस्टेंट होती है दूसरी की इंक्रीज होती है, जो हमारी अजम्पशन के ऑपोजिट है। ना ही इसकी शेप जो है इंक्रीजिंग रूट में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की मात्रा जो है इंक्रीज हो सकती है। तो हमारी देखो एक तो आइसोक्वेंट की जो शेप है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और दूसरा क्या है कि उसकी शेप जो होती है कन्वेक्स होती है, और तीसरा जो है कि जो आइसोक्वेंट कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। देखो यहाँ पे जैसे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, यहाँ पे सी बिंदु है, तो नेचुरली यहाँ पे इसका मतलब है कि ए बी और सी बराबर है, जो कि राइट नहीं है, क्योंकि हायर आइसोक्वेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर लेबर और कैपिटल की मात्रा ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए दो आइसोक्वेंट कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, और आपने हर जो ग्राफ है उसके अंदर लेबलिंग करनी ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे क्योंकि कंप्यूटर पे बना रही हूँ तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जो लेबल करना होता है कई बार, तो मैं लेबलिंग एक में दिखा के फिर दूसरों में नहीं दिखाती। तो यहाँ पे देखो ओ एक्स पे आपने लेबल लेनी है, ओ वाई पे आपने कैपिटल लेना है। लेबल करना जो है इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही एसेंशियल है। उसी तरह देखो और प्रॉपर्टीज़ हैं, आइसोक्वेंट कर्व जो है ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ये वाई एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि देखो अगर ये किसी भी एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब होता है कि हम एक यूनिट के साथ ही प्रोडक्शन कर रहे हैं दूसरे यूनिट के साथ नहीं कर रहे, जबकि हमारी अजम्पशन ये है कि हम दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है यूज़ कर रहे हैं। और ये जो आइसोक्वेंट कर्व्स हैं ये पैरेलल भी हो सकते हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकते, और हर एक आइसोक्वेंट कर्व जो है उसकी जो शेप होती है वो ओवल शेप्ड होती है। उसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो, क्योंकि देखो जो हम लेबर एंड कैपिटल का कॉम्बिनेशन लेते हैं वो एक अमाउंट सेम अमाउंट प्रोड्यूस करता है, बट जैसे मान लो कोई कॉम्बिनेशन है उसके अंदर कैपिटल की मात्रा ज़्यादा है लेबर की मात्रा कम है तो वो एक्सपेंसिव होता है, उसी तरह कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसके अंदर लेबर की मात्रा ज़्यादा है और कैपिटल कम है तो वो भी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है क्वालिटी ख़राब हो। तो हमने नेचुरली इकोनॉमिक रीजन जो होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि जिसके अंदर क्या है कि अगर हम प्रोड्यूस करें तो वो एफिशिएंट कॉम्बिनेशन हो। तो इसलिए क्या होता है कि जो आइसोक्वेंट की शेप है ओवल शेप्ड होती है। उसी तरह ही क्या है कि जो आइसोक्वेंट इकोनॉमिक रीजन एंड रिज लाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने एफिशिएंट रेंज जो होती है वो आइडेंटिफाई करनी होती है, और जो आइसोक्वेंट की शेप होती है वो ओवल शेप्ड होती है। देखो ये जो है अपर है, ठीक है, और ये जो है लोअर लिमिट है, और इनके बीच का जो इसके बीच का जो एरिया है ये इकोनॉमिक रीजन को बताता है, एफिशिएंट कॉम्बिनेशन को बताता है। ये इसके ऊपर जो है ये इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है, इसके नीचे जो है ये भी इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले मैंने जो टेबल बताया वही आपने यहाँ पे दिखाना है कि देखो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वो रेट जिसके ऊपर क्या होता है कि अगर हमने लेबर की मात्रा को लेना है तो कितने यूनिट हम कैपिटल के सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। इज़ दैट रेट एट विच वन इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर इनपुट विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट, जिसको हम कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कैपिटल यूनिट रिड्यूस्ड डिवाइडेड बाय लेबर यूनिट्स एडेड, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एम। इसका मतलब होता है कि ये जो रेशियो होता है ये कम होता जाता है, जैसे जैसे हम लेबर की मात्रा को इंक्रीज़ करेंगे तो कैपिटल की मात्रा हम पहले से कम सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं।